विराट पिता है, संकल्प कर दो इस पवित्र ब्रह्मा भोजन को खाने से इनका ये व्यसन छूट जाए। कोई आपसे शत्रुता रखता है, संकल्प कर दो ये भोजन खाकर ये मेरा मित्र बन जाए। जो संकल्प आप भोजन में करेंगे वही खाने वाले में होने लगेंगे। एक बहन ने बहुत अच्छा प्रयोग किया, मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं बहुत खुश नसीब हूं। भोजन खाते खाते वो इतनी खुश रहने लगी, बताया उसने कि मैं भी हैरान हूं अपनी खुशी से कि मैं इतना खुश कैसे रहने लगी। पानी को भी दृष्टि देकर यही संकल्प कर दो, मैं बहुत खुश हूं, बहुत भाग्यवान हूं, निरोग हूं, बहुत पवित्र हूं। जो संकल्प करेंगे वही काम करेगा पानी, क्योंकि शरीर में 70% पानी है। कितने परसेंट पानी घूम रहा है? हम क्रोध में हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष है, वैर भाव है, चिंताएं हैं, डर हैं, तो ये अंदर का पानी विषैला हो जाता है। ये है बीमारियों का कारण। इस पानी को स्वच्छ करेंगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वैसे गंदा पानी पीने से स्वच्छ पानी पिया जाता है। इवन जानवर भी, भैंस के आगे भी आप गंदा पानी रख दो नहीं पिए। छोटा सा सच्चा वैज्ञानिकों की रिसर्च सुन ले तो आपको विश्वास हो जाए। यहीं से मैंने शुरू किया है पानी पर प्रयोग। जापान के वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, 2 गिलास में पानी लिया, एक पर लिख दिया लव, लव माना प्रेम प्यार, दूसरे पे लिख दिया नफरत। दोनों गिलास ढककर एक कमरे में रख दिए। सवेरे जब दोनों गिलास को चेक किया, उनके पास यंत्र है, तो क्या पाया? जिस पे लव लिखा था उसमें गोल्डन तरंगे आ गई, सुनहरी तरंगे, और जिस पे नफरत लिखा था उसमें काली तरंगे पैदा हो गई। देखो शब्दों का असर देखो। बस मुझे इतना ही देखना था, मैंने कहा बस आगे मुझे नहीं देखना, और मैंने शुरू कराए प्रयोग पानी को चार्ज करके पिलाना। बहुतों की बीमारियां ठीक होती है, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं डॉक्टरों के पास, उसमें से एक है सोरायसिस, स्किन डिजीज, चर्म रोग है, नाम है सोरायसिस। डॉक्टर बहुत मेहनत करते हैं, किसी किसी का ठीक होता है। एक डॉक्टर ने विदेश में अमेरिका में साफ बता दिया एक बहन को, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, बहुत तकलीफ थी उसे। उसने पानी चार्ज करके पीना शुरू किया, लगाया पैरों में था उसको, घुटनों से नीचे, 40 दिन में ठीक हो गई, पूरी ठीक हो गई, जरा भी नहीं। समझिए पानी का असर। और आपके यहाँ घड़े में या टंकी में पानी रखा है, घर में लड़ाई हो रही है, गुस्सा हो रहा है, तो ये वाइब्रेशन भी पानी में समा गए, उसमें टेस्ट भी नहीं लगेगा और जो पिएगा उसमें अशांति होगी। इसलिए अगर कभी लड़ाई हो भी जाए उस पानी को फेंक देना, दूसरा भर के दृष्टि देके 7 बार 21 बार ये संकल्प कर देना। एनर्जी देना, आप में से कईयों ने सुना तो है, फिर भी सिखा देता हूं। अनेक बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। घुटने दर्द किन किन को है? हाथ उठाओ घुटने दर्द वाले। अरे कानपुर में इतने भाई कम माताएं ज्यादा, ठीक करना है अपने को। एक तो मन को हल्का कर दो, घुटने हल्के हो जाएंगे। केवल वजन से ही घुटने दर्द नहीं होता, पतलो पतलो को भी होता है, और कई मोटे भी मस्ती से चलते हैं, ये जरूर नहीं वजन बढ़ने से घुटने दर्द होता है, इधर वजन बढ़े, समझ गए ना, तो घुटने दर्द होता है। ये मुझे बहुत एक बड़े डॉक्टर ने बताया कि आप ये सब कुछ सिखाओ। दिमाग पर दबाव बहुत है, किसी की बातों का, किसी जिम्मेदारी का, किसी काम काज का,
घुटनों पर असर आता है। अभी करो करो सभी, मैं परम, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, तीन बार करो। अभी आपके हाथों में एनर्जी आ गई, वाइब्रेशन आ गई, आपके हाथों से किरणें निकलने लगी है, आप महसूस करो। ऐसे हाथ छोड़कर दोनों हाथों में देखो, आपके झंझनाट आई आ गई। अभी ये शक्तियां आपके हाथों से निकल रही हैं, इनको घुटनों पे रख दो, जहां दर्द हो गया है एक मिनट रख देना है। आप कहीं बैठे हैं, लोग हैं, आपको ये करना है, आप घुटनों पे हाथ रख के बैठ जाओ, ऐसे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और मन में संकल्प कर दो, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूं। हाथों से शक्तियों की किरणें घुटनों में जा रही है, ठीक होगा। फिर दूसरी बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसा कर दें आप, 10 मिनट कर दें, 5 मिनट सवेरे शाम कर दें। ठंड है, इससे बचना है सबको। तेल बहुत मिलते हैं आजकल, लगा दें। नी कैप मिलती है पैर घुटने ये पहनने की, मोटी मोटी वो पहन ले, ठंड ना लगे। ठंड से हो जाता है, मुझे भी हो जाता है कभी कभी, तो मैं तुरंत ये कर लेता हूँ तो ठीक हो जाता है। देखो बहुत ही चमत्कारी प्रयोग हुए दृष्टि देने के, वो एनर्जी देने के। तीन माताएं बुजुर्ग जो बिल्कुल नेत्रहीन हो गई थी, अंधी, उनकी आंखें खुल गई। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका हुआ। उसका तरीका है, मैं परम पवित्र आत्मा, आंखों को चाहिए पवित्र वाइब्रेशन, मैं परम पवित्र आत्मा। ऐसे ही पानी को चार्ज करके आंखों पे छिड़क दो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पी लो। देखो आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान। ब्रेन से नसें आंखों को भी जाती हैं, कानों को भी जाती हैं, मुख को भी आती हैं। आपके घर में कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी आंखें कमजोर हो बचपन से, आप उसकी ब्रेन को एनर्जी दे दो। समझ गए ना एनर्जी देना, उसके से प्रयास कर दो। ये नसें स्ट्रांग हो जाएंगे, कमजोर हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं कहीं, वो नसें ताकतवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे आए, 6 साल का हो गया, न बोल रहा न सुन रहा, उनको हमने एनर्जी दिलवाई, ब्रेन को केवल ध्यान, बोलने लगे। किसी को मानसिक रोग हो, नींद ना आती हो, डिप्रेशन हो गया हो, मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, ब्रेन को एनर्जी देंगे, ब्रेन ठीक हो जाएगा, मानसिक रोग खत्म हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज है ये, डॉक्टर भी करने लगे हैं कई जगह। मैं डॉक्टरों की सभा में भी ये सिखाता हूँ, कई डॉक्टर इसको बहुत अच्छी तरह ग्रहण करते हैं कि ये बिल्कुल सच्ची थ्योरी है, डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे 2-4 केस आजकल ऐसे हो गए, पहले नहीं होते थे, होने लगे, मेमोरी पूरी चली गई, मेमोरी माना याददाश्त पूरी चली गई, स्मरण शक्ति। हमारे यहाँ के भी एक की चली गई, शांतिवन में भाई रहता है, मुझे मिले एक जगह, उसका साथी जो था, मैंने उससे पूछा डॉक्टर क्या कहते हैं, कहा डॉक्टरों ने बताया इसकी ब्रेन की नसें सिकुड़ रही हैं, तो ब्लड ही नहीं जा रहा, इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकेंगे, एनर्जी देने से वो खुल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी ताकत है आपके हाथों में, इन संकल्पों में, इसका आप प्रयोग करेंगे। किसी को रात को नींद नहीं आती हो, डिप्रेशन हुआ हो, सोने से पहले लिखेंगे मैं एक महान आत्मा हूं 108 बार। आप लिखा सकते हो किसी से भी, क्योंकि ये रोग दिनों दिन बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। इसको कोई भी लिखेगा तो उसको अच्छी नींद आने लगेगी, 108 बार।
जिसको मन में बहुत व्यर्थ चलता हो, बहुत सोचते हैं, वो सवेरे उठते लिखे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं 108 बार, बहुत मदद मिलेगी मुझसे, बहुत लोग तो ठीक ही हो गए, बहुत मन भटकता था लिखना शुरू किया मन एकाग्र हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें भी सबको बहुत मदद करेंगी। फिर से 5 मिनट और हम कुछ धारणाओं पर आ जाएं। क्रोध पर किस ने विजय प्राप्त कर ली है, कल भी मैंने पूछा था, फिर आप उठाओ, क्रोध पर किस किस की विजय हो गई है, थोड़ा बहुत बचा कोई बात नहीं, ज्यादा छूट गया वो हाथ उठाओ, अच्छा जिसका ज्यादा बचा है वो हाथ उठाओ, ठीक है विधि बताएंगे, अभी डरने की बात नहीं, जिसका आधा बचा है वो हाथ उठाओ, जो पूरा छोड़ना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, ठीक है अब लिखो, 21 दिन कर लेना, बहुत गुड रिजल्ट आएगा, सवेरे करना ये भी, पहला संकल्प मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, दूसरा मैं विजयी रतन, तीसरा मैं क्रोध मुक्त हूं, चौथा मेरा चित्त शांत हो गया है, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, ये 4 संकल्प हैं, 5-5 बार कर लेना, फिर से सुन लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विजय रतन हूं, मैं क्रोध मुक्त हूं, श्याम स्वरूप हूं, फिर इसका विस्तार कर देंगे, मेरा चित्त शांत हो गया है, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, शांति बढ़ेगी क्रोध हटेगा। साथ में ध्यान ये देना है कि क्रोध हमारी आदत में बन जाए, बात बात में क्रोध आ जाए, इससे हमारी आंतरिक शक्तियां जल के नष्ट होने लगेंगी, हम बहुत कमजोर पड़ जाएंगे, खुशी भी नष्ट, एकाग्रता भी नष्ट, बीमारियां बढ़ेंगी, घर का माहौल बिगड़ेगा, इसलिए अपने पे ध्यान भी देना है, जो मैं चाहूं वही सब करें, इस संकल्प को यहीं छोड़ते हैं, ऐसा हो सकता है जो हम चाहें सब वही करें, बाबा भी सोचे तो वो भी कहेगा होगा नहीं, जो मैं चाहूं वही सब करें, कई माताएं तो पतियों पे विराज करती हैं, कौन कौन करती है मैं पूछूंगा नहीं, हाथ तो नहीं उठाएंगे, एक गांव की माता मेरे पास आई, समस्या क्या है, मेरा पति मेरी सुनता नहीं है, मैंने पूछा तुम्हारा पति क्या करता है, और लोग कहते हैं पढ़ाता है, कॉलेज है वहां, बड़ा बड़ा स्कूल है वहां पढ़ाता है, मैंने कहा प्रोफेसर है क्या, हाँ हाँ यही है, तो उससे कहना तो नहीं आता था पर सुनती तो थी, यही है, मैंने कहा तुम कितनी पढ़ी लिखी, नहीं भाई हमारे जमाने में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, मैं नहीं पढ़ी हूं, सोचो और हंस लो थोड़ा, बिना पढ़ी लिखी माँ अपने पढ़े लिखे पति पे राज करना चाहती है, भाई लोग नहीं हंसे, कईयों की समस्या होगी, एक व्यक्ति ऐसे ही बड़ा पावरफुल था, ऑफिस में जाता था, एक ने उसको मजाक किया, ऑफिस में तो शेर बनकर रहते हो, घर में जाके बिल्ली बन जाते, उसने भी जवाब दिया कि नहीं शेर तो मैं घर में भी हूं पर दुर्गा की सवारी हो जाती है।
ठीक है, फ्रेश हो गए, नींद तो नहीं आ रही किसी को, ठीक है। तो हमें ये संकल्प छोड़ देना है कि जो मैं चाहूं वही हो, ऐसा होगा नहीं, और उन चीजों को स्वीकार कर लेना है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। देखो, एक माता आई थी अभी मेरे पास कानपुर से, बेचारी का बच्चा थोड़ा ऐसा ही है, तो मैंने कहा बच्ची में बैठो, तो कहा ये बैठने नहीं देता है, थोड़ा ब्रेन से कमजोर, लेकिन गुस्सा नहीं करता, मारपीट नहीं करता, लेकिन एक जगह बैठता ही नहीं, मानसिक रूप से बचपन से ही गड़बड़ है। तो इस माता ने स्वीकार कर लिया है ये बच्चा, एक ही लड़का इन्हें स्वीकार कर लिया, ये ही है ना, मैंने उसको सिखा दिया था, बात की थी उसने, मैंने कहा स्वीकार कर लो, खुश रहना सीखो, क्योंकि ये हिसाब किताब है जन्म जन्म का, ये लेने आया है, आपने इससे बहुत कर्ज लिया था, इसको सताया था, अब ये आ गया है, प्यार से दे दो तो तुम भी सुखी रहोगी, ये भी ठीक हो जाएगा, उसका बच्चा बहुत ठीक हो गया है ये बातें करने से, जो मैं सिखाई ना, एनर्जी देना, पानी चार्ज करके पिलाना, मैंने उसको ये भी सिखाया देश के नाम से पुण्य कर दो, भोग लगवाओ, ब्रह्मा भोजन खिलाओ। तो जिन बातों को हम बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार करके अपने को शांत करो, ये बहुत सुंदर बात है। अनेक बातें हैं जीवन में जिससे मनुष्य कभी कभी परेशान रहता है, सोच सोच के मेरा रंग ऐसा है, कद छोटा है, मैं तो सिर के बाल उड़ गए 30 साल की आयु में ही, सोचते हैं लोग, बहनों के उठ जाए तो बड़ी मुश्किल हो गया आजकल उठ गए, कई मस्त रहते हैं, हमारे यहाँ भी एक दो बहनों के बाल उड़ गए, कुछ नहीं बांधती, मस्त उठ गए तो उठ गए, हमें भी उड़ना है ऊपर, क्या सोचना है। इसलिए जिन बातों को हम बदल नहीं सकते, जिन पर हमारा अधिकार नहीं है, उन्हें स्वीकार कर लें, खुश रहें, जितने खुश रहेंगे बाल भी नहीं उड़ेंगे, पक्का मान लो आप, बहनों को बड़ी चिंता होती है, उड़ेंगे ही नहीं, जहां खुशी है वहां लक्ष्मी का वास होता है, जहां खुशी नहीं है लड़ाई झगड़ा है, लक्ष्मी निकल जाती है, ये मेरा स्थान नहीं है, ठीक है। अब टाइम हो गया है, 15 मिनट आपको छुट्टी देनी है, फिर गीता रहना है जी, ओम शांति। अब एक गीत बजा देंगे, सुनो भैया, जीवन की नैया करते प्रभु के हवाले, निकालो, निकलेगा। चलो अब सभी अपने सारे बोझ, समस्याएं, चिंताएं बाबा को अर्पित करेंगे, बिल्कुल हल्के होकर उठेंगे, उड़ते हुए सारे बोझ तुमको अर्पित, जब तक गीत निकाले, सुंदर अनुभव सुन लो किसी का। एक माता की बच्ची की शादी थी, इसी साल की घटना, उन्हें खुद सुना है क्लास में अनुभव, कहा मेरे पास केवल 11,000 रुपए थे, मैंने अपना पर्स खोल दिया, बाबा को कहा आप बैठ जाओ इसमें, देखो माताओं की भावना, आप बैठ जाओ, अब आपकी लड़की है, जैसी शादी करानी हो करा देना। कहा 20 लोग ऐसे आए शादी में जिन्होंने इतना दिया कि हमारे पास इकट्ठे हो गए 13 लाख। ये है समर्पण भाव, बहुत अच्छी स्थिति बनाई इसमें, मैंने समर्पण भाव पे क्लास कराया तो कहने लगी मुझे सुनाना है, मैंने बुला दिया, ये अनुभव सुनाया। हम अगर बाबा में विश्वास रखें, उसको अर्पित करके चलें, तो उसके लिए कुछ भी असंभव कठिन भी नहीं है, और चुटकी बजाय संसार स्वर बन जाए। निकल गया भाई, निकलो, नहीं निकले तो कोई बजा दो, ठीक है, पसंद है, सब कुछ देकर हल्के हो जाओ। माता जी तो बहुत खुश नजर आ रही, बुजुर्ग माता, मस्त है ना, बस मस्त रहना है। चलो तब तक एक कहानी और सुना दूं। एक माता ने ऐसे ही कहा, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। मैंने कहा क्या सुनाना चाहते हो, कि कुछ भी नहीं मानते।
बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, बच्चे हैं, बिजनेस करते हैं। तो मैंने कहा तुम क्या चाहते हो उनसे, उन्हें फ्री करो ना। अब ये फ्री नहीं करती, पत्ता भी मेरी आज्ञा के बिना नहीं हिलना चाहिए। दूसरी माता की सुनो, उसको भी दो बच्चे बड़े, यही उसने कहा मेरा काम पूरा हो गया, पति है नहीं, कहा मुझे गीता पाठशाला चलानी है, अब तुम अपना संभालो। ऊपर कमरा ले लिया अपना, गीता पाठशाला खोल दी, अपना भोजन बनाती है, खाती है, कहती मैं पूछती भी नहीं तुम्हारा काम कैसे चल रहा, कितना कमा रहे, कितना बचा रहे, कुछ नहीं, वो भी जीवन है। और ये माँ चाहती है हर चीज मेरे से पूछनी है, तो खुद भी दुखी, बच्चे भी दुआ मांगते हैं माँ कब मरे। चलो भाई चलो, अर्पित कर दो सब कुछ ऊपर, हल्के हो जाए। Thank you.